Assalamu alaikum, here I am Aisha Ijaz to present you the introduction of pteridophytes. First of all, pteridophytes होते क्या हैं? Pteridophytes को हम vascular plants भी कहते हैं, cryptogams भी कहते हैं. Vascular plants इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके पास conducting tissues present है conduction के process को carry out करने के लिए. Conduction एक ऐसा process है जिसके अंदर प्लांट्स xylem और phloem tissues को use करते हुए water और minerals को uptake करते हैं. कंडक्शन की डेफिनेशन, द कंडक्शन इज़ द प्रोसेस इन विच प्लांट्स यूटिलाइज xylem एंड phloem tissues फॉर द इनटेक ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. उसके बाद क्रिप्टोगम्स हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नॉन फॉर्मिंग प्लांट्स हैं, ये अपनी रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के ड्यूरिंग फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं करते. और क्रिप्टोगम्स इन्हें नाम एक साइंटिस्ट ने दिया था, लिनाइस ने 1754 में. उसके बाद है वेब ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी pteridophytes इज कॉल्ड pteridology. बॉटनी की वो ब्रांच जिसके अंदर हम pteridophytes की डिटेल स्टडी करते हैं उसे pteridophytes की डिटेल स्टडी करते हैं उसे pteridology कहते हैं. pteridophytes आर आल्सो कॉल्ड रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम. इन्हें हम प्लांट किंगडम के रेप्टाइल्स भी कहते हैं क्योंकि ये फर्स्ट टेरिस्ट्रियल प्लांट थे जो कि डिस्कवर्ड हुए थे. बट दे वर नॉट कम्प्लीटली सक्सेसफुल. ये कम्प्लीटली सक्सेसफुल इसलिए नहीं कंसिडर किया जाता क्योंकि इन्हें अपनी रिप्रोडक्शन के लिए और फर्दर अपने स्पीशीज की इंक्रीज़ के लिए इन्हें वाटर की रिक्वायरमेंट थी, जो इनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं थी जिसकी वजह से ये डिकम्पोज हो चुके थे और इनकी एक आध स्पीशीज बाकी बच गई थी. उसके बाद फॉसिल रिकॉर्ड्स अगर हम इनके चेक करें तो ये 35 करोड़ ईयर्स अगो ये हमारे पास डिस्कवर हुए थे. उसके बाद मोस्ट ऑफ द pteridophytes आर हर्ब्स. ये हर्ब्स की फॉर्म में प्रेजेंट थे. मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट्स या बहुत ज़्यादा पुराने प्लांट्स कंसिडर किए जाते हैं जो कि ब्रियोफाइट से इवॉल्व हुए थे. मैनी मे भी स्मॉलर इन साइज, इनके साइज स्मॉल हैं और स्मॉल साइज के हैं जो वो एनुअल हैं, वो एक साल के अंदर अपना रिप्रोडक्टिव साइकिल कम्प्लीट करते हैं. एंड लार्ज इन साइज जो आर पेरिनियल्स, जो जिनका साइज लार्ज है वो पेरिनियल्स हैं, वो एक साल में कई दफ़ा अपने रिप्रोडक्शन का साइकिल कंप्लीट करते हैं. उसके बाद अगर हम इनकी वैराइटीज़ को देख लें तो 3 टाइप्स ऑफ pteridophytes वराइटीज़ इंक्लूड. इनकी 3 तरह की वराइटीज़ हैं जिसके अंदर हमारे पास फर्न्स आ जाते हैं. फर्न्स रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्ट्स, ये स्पोर्ट्स के थ्रू अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं. उसके बाद हॉर्सोटेल्स हैं, हॉर्सोटेल्स नॉन फोटोसिंथेटिक स्पीशीज़ हैं. और उसके बाद लाइकोपॉड्स, अगर हम pteridophytes की डिटेल स्टडी करनी हो तो हमारे पास लाइकोपॉड्स आ जाते हैं. लाइकोपॉड्स की हम स्टडी करते हैं क्योंकि लाइकोपॉड्स की जो बॉडी है वो कम्प्लीटली डिफ्रेंशिएटेड है लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स में. उसके बाद इनका हैबिटेट इनका देखने तो इनमें ये कोल्ड मोस्ट शेडी प्लेसेस पे रहती हैं. ज़्यादातर इनकी स्पीशीज शेडी प्लेसेस पे होती हैं. मोस्टली मे बी xerophytes, कुछ xerophytes भी हो सकते हैं मोस्टली, और टेरिस्ट्रियल प्लांट्स. ज़्यादातर इनकी स्पीशीज लैंड प्लांट्स हैं, वो लैंड पर सर्वाइव करते हैं. बट अजोलर मर्सीले और एक्वेटिक, लेकिन जो इनकी स्पीशीज अजोलर मर्सीले हैं वो एक्वेटिक हैं, वो पानी के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकती. उसके बाद इनकी अडेप्टेशन हैं. दे हैव वैस्कुलर टिशूज़ फॉर कंडक्शन ऑफ मिनरल्स, वाटर मिनरल्स की कंडक्शन के लिए इनके पास वैस्कुलर टिशूज़ हैं. दीज अडेप्टेशन एनेबल द pteridophytes टू डोमिनेट द फॉरेस्ट्स ऑफ द कार्बोनिफेरस पीरियड. जो इनकी स्पीशीज बच गई थी इन अडेप्टेशन ने इन्हें हेल्प आउट किया था कि वो कार्बोनिफेरस पीरियड में भी सर्वाइव कर सकें. उसके बाद है द रिमेन्स ऑफ दीज एंशिएंट फॉरेस्ट हैव ग्रेट सिग्निफिकेंस. जो इनकी रिमेन्स बात की तो उनकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है क्योंकि उनके अंदर रिवोल्यूशन के बाद हमारे पास ट्रू लैंड प्लांट्स डिस्कवर हुए थे. उसके बाद इनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, दे आर फर्स्ट लैंड प्लांट्स टू बी इवॉल्व फ्रॉम pteridophytes ऑन लैंड. pteridophytes इनकी इवोल्यूशन हुई थी और ये फर्स्ट लैंड प्लांट्स हैं जो कि डिस्कवर हुए थे. दे आर क्रिप्टोगम्स सीडलेस एंड वैस्कुलर. क्रिप्टोगम्स नॉन फार्मिंग प्लांट्स हैं, सीडलेस हैं, नॉन सीड प्रोड्यूसिंग हैं एंड वैस्कुलर और वैस्कुलर प्लांट्स क्योंकि इनके अंदर वैस्कुलर टिशूज हैं. उसके बाद स्पोर्स डिवेल्प इन स्पोरेंजियस. स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स डिवेल्प होते हैं और स्पोरेंजिया ये स्पोरोफिल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं. स्पोरोफिल्स आर कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि लोअर लीव एपिडर्मस पे प्रेजेंट होते हैं. उसके बाद इनके सेक्स ऑर्गन्स मल्टी सेलुलर हैं, एक से ज़्यादा सेल्स के बने हुए हैं एंड दे शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. हेटेरोमॉर्फी शो करते हैं. स्पोरोफाइट जनरेशन से गैमेटोफाइट जनरेशन बनती है. गैमेटोफाइट जनरेशन से अगेन स्पोरोफाइट जनरेशन बनती है. इसी तरह ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल. थैंक यू सो मच.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज़ इकरा कमल। द टॉपिक ऑफ माय प्रेजेंटेशन इज स्ट्रक्चर। नाउ वी डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर एक्सटर्नल एंड एक्सटर्नल। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर द प्लांट्स बॉडी स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है। इसमें ऊपर सबसे ऊपर जो एक लीव है उसे हम ऑड लीफ लेट कहते हैं। वो सिर्फ केला लीव एक ही पत्ता था, इसलिए और लीफ लेट कहते हैं। आगे नीचे दो लीफ होते हैं, इनको हम लीड लीफ कहते हैं। ये पाइनेटली कंपाउंड है और इसके लीव्स के अंदर जो ये होता है इसे हम रैकस कहते हैं। जब लीव्स छोटी होती हैं तो ये कॉइल्ड होते हैं, इसे हम सर्सिनेटली कॉइल्ड लीव्स कहते हैं। इसे लीफ बेस कहते हैं। लीफ बेस के आगे नीचे वाला जिसे इसे राइजोम कहते हैं। ये रिमेंटा है, रिमेंटा में शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसे रिमेंटा कहते हैं। नीचे एडवेंटिशियस रूट्स हैं, स्केल लीव्स हैं। ये प्रीनियल हर्ब है। इट सर्वाइव ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन में जो अंडरग्राउंड राइजोम है वो सर्वाइव कर सकता है। ये राइजोम बियर न्यूमडियस एयरियल लीव्स विच आर बाइनेट। ये बाइनेट कंपाउंड हैं। यंग लीव जो है वो सर्सिनेट कॉइलिंग, वो यंग लीव कॉइल्ड हो जाते हैं, इसे हम सर्सिनेट कॉइलिंग कहते हैं। जो ओल्डर लीव्स हैं जब वो बड़े टर्म वो ने हम फ्रॉन्ड्स कहते हैं। होल फ्रॉन्ड यानी कि होल लीफ जो है ब्लेड एंड स्टॉक उसे हम फ्रॉन्ड्स कहते हैं। द लोअर पार्ट ऑफ रैकस इज कवर बाय ए ब्राउन, जो लोअर पार्ट ऑफ रैकस का होता है वो ब्राउन कलर के स्केल लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम रेमेंटस कहते हैं। ये लीव्स जो है ये ओपन फर्केट विनेशन शो करते हैं। अब हम इसका इन मेंबर्स ऑफ वीयर साइलोफाइट एंड स्फेनोफाइट आर स्पोरेंजियोसाई साइलेटम, फॉर एग्जांपल साइलेटम एंड इक्विस्टम। जो वीयर मेंबर्स हैं डीएनए के साइलोफाइट और स्फेनोफाइट एंड में स्पोरेंजिया जो होते हैं वो हमेशा सिसाइल रहते हैं, और स्पोरेंजिया आर ऑलवेज सिसाइल, फॉर एग्जांपल इन साइलोस्टम एंड इक्विस्टिक प्लांट। जो स्पोरेंजिया होते हैं टैपिटम इज नॉट इन सेल में, जो साइलोटम है इसमें टैपिटम फॉर्म्ड नहीं होता। और डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया इज लैक्टोस्पोरेंजिएट इन द मेंबर्स ऑफ क्लास लैक्टोस्पोरेंजियोसिडा। जो इसमें स्पोरेंजिया की डेवलपमेंट होती है वो लैक्टोस्पोरेंजिएट के जरिए होती है, मेंबर्स ऑफ क्लास लैक्टोस्पोरेंजियोसिडा। फिर इसमें इन प्लीडियोफाइट्स में जो स्पोरेंजिया होता है वो हमेशा डिवेलप होता है सिंगली सेल। स्पोरेंजिया डिवेलप बाय अ सिंगली सेल। नेक्स्ट है, फिर हम जो स्पोरेंजिया होते हैं वो स्पोरेंजिया बॉन्ड सिंगली और इन कॉल्ड ग्रुप्स कॉल्ड सॉरी। जो स्पोरेंजिया होते हैं वो या तो सिंगली बॉन्ड होते हैं या फिर ग्रुप्स की शक्ल में, जिन्हें हम सॉराई कहते हैं। अ स्पोरोफाइट फेज प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड स्पोर्स बाय मियोसिस। अ स्पोरोफाइट डिप्लॉइड फेज, जो स्पोरोफाइट इनमें जो होती है वो स्पोरेंजिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है प्लीडियोफाइट्स में वो तो हमेशा उसमें जो सेल होते हैं वो हमेशा डिप्लॉइड होते हैं, लेकिन जो ये सेल्स डी सेल्स जो ये फेज है वो प्रोड्यूस करती है हैप्लॉइड स्पोर्स बाय मींस ऑफ मियोसिस। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास, माई सेल्फ इर्शा गज़ल एंड टू डेज द टॉपिक ऑफ माई प्रेजेंटेशन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लीडियोफाइट्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो हमेशा स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी के जरिए होती है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो तरह के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक बॉडी में होती है, जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो हमेशा गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी में होती है। तो आज हम प्लीडियोफाइट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलवेज अकर्स
बाई मीन्स ऑफ स्पोर्ट्स। और जो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है वो हमेशा स्पोर्ट्स के जरिए होती है इन साइड ए सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ के अंदर, जिसे हम स्पोरेंजिया कहते हैं। स्पोरेंजिया जो होते हैं वो बॉर्न एट टिप ऑफ मेन एक्सिस, स्पोरेंजिया जो होते हैं वो टिप ऑफ मेन एक्सिस पे या फिर ब्रांचेस और वेंट्रल सरफेस और इन साइड स्पेशल स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम स्पोरेंजिया कहते हैं या स्पोरोकार्प, स्पोरेंजिया और स्पोरोकार्प कहते हैं, उनके अंदर होती है। उसके बाद द लीव्स बेयरिंग स्पोरेंजिया आर कॉल्ड स्पोरोफिल्स, जो लीव्स स्पोरेंजिया बियर करते हैं उन्हें हम स्पोरोफिल्स कहते हैं। स्पोरोफिल्स और मैक्रोस्पोरोफिल्स और माइक्रोस्पोरोफिल्स, स्पोरोफिल्स इन केस ऑफ स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, स्पोरोफिल्स और होमोस्पोर्स और हिट्रोस्पोर्स, होमोस्पोर्स टू मेक माइक्रोस्पोरेंजिया एंड हिट्रोस्पोर्स टू मेक मैक्रोस्पोरेंजिया। नेक्स्ट हम इसकी बॉडी के बारे में बात करते हैं। स्पोरेंजिया कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स, स्पोरेंजिया की दो टाइप्स है, मेन बॉडी और स्टॉक। इट प्रोड्यूस स्पोर्स एंड इनक्लोज विद इन मल्टी लेयर्ड वॉल। जो स्पोरेंजिया की मेन बॉडी होती है उसमें स्पोर्स, ये स्पोर्स प्रोड्यूस करती है एंड इनक्लोज विद इन मल्टी लेयर्ड बॉडी। इनमें एक मल्टी लेयर्ड बॉडी होती है, मल्टी लेयर्ड वॉल जो स्पोरेंजियम की मेन बॉडी के अंदर है वो आगे से उसकी इनर लेयर को डीइंटीग्रेट कर देती है स्टीरियोफाइट्स में स्पोरेंजियम को, और फिर उसमें एक कैपिटम बन जाता है। और जो कैपिटम है, इनर लेयर ऑफ स्पोरेंजियम डिवेल्प्स इनटू कैपिटम विच इज़ न्यूट्रिटिव इन फंक्शन, हाउएवर इन सम लोअर मेंबर्स साइलोटम स्टॉक इट हेल्प्स स्पोरेंजिया टू रिमेन एंकर टू मदर बॉडी। स्टॉक जो होता है ये स्पोरेंजिया को मदद करता है मदर बॉडी में एंकर होने की, मतलब खुद को गाड़ने की मदर बॉडी को। मदर बॉडी मीन्स स्पोरोफिटिक बॉडी या स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। स्टॉक इज शॉर्ट इन मेंबर्स ऑफ डिवीजन लाइकोफाइटा आइडर ऑर्डर मार्सिलियल्स एंड सालविनियल्स, वेयर एज इट इज़ लॉन्ग इन द मेंबर्स ऑफ ऑर्डर फलिकेलियल्स। स्टॉक इनमें स्टॉक नहीं होता है, स्टॉक होता है या फिर मतलब स्टॉक की जगह कोई भी नहीं है, या कई जगह स्टॉक बहुत ही शॉर्ट होता है, या फिर इनमें स्टॉक बिल्कुल ही नहीं पाया जाता इन मेंबर्स में। और इन्हें मेंबर्स ऑफ डिवीजन फाइलोफाइका साइलोफाइटा एंड स्फेनोफाइटा स्पोरेंजिया और सिसाइल साइलोटम एंड इक्विस्टम। डिवेलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया इन लैक्टोस्पोरेंजिएट इन द मेंबर्स ऑफ क्लास लैक्टोस्पोरेंजिया। इन मेंबर्स में जो साइलोफाइटा और स्फेनोफाइटा, इनमें स्पोरेंजिया जो होते हैं वो हमेशा सिसाइल रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल साइलोटम एंड इक्विस्टम। नेक्स्ट, इनमें जो स्पोरेंजिया होते हैं वो सिंगली डिवेलप होते हैं। स्पोरेंजिया डिवेलप्स फ्रॉम सिंगल सेल, स्पोरेंजिया जो होते हैं वो हमेशा सिंगल सेल से डिवेलप होते हैं। और फिर इसके बाद ये हमेशा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माई सेल्फ मेमुना मुकद्दस एंड माई प्रेजेंटेशन टॉपिक इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन टेरिडोफाइट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आप जानते हैं कि इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, टू जनरेशन एक दूसरे के साथ अल्टरनेट करती हैं, एक गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट इनका ए सेक्चुअल स्टेज है और गैमेटोफाइट सेक्चुअल स्टेज है। स्पोरोफाइट में स्पोरंजिया बनेंगे और स्पोरंजिया के अंदर स्पोर्स बनेंगे, और वो स्पोर्स जब जर्मिनेट करेंगे तो वो एक न्यू प्लांट गैमेटोफाइट बना देंगे। गैमेटोफाइट सेक्चुअल स्टेज है जिसमें दोनों गैमेट्स बनेंगे और वो फ्यूज़ करेंगे और दोबारा वो स्पोरोफाइट बना देंगे। गैमेटोफाइट में दोनों फीमेल और मेल गैमेट्स एक ही बॉडी में बनेंगे। इनमें इनकी ओगैमस टाइप इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। ओगैमस ऐसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है जिसमें फीमेल और मेल गैमेट्स एक ही प्लांट बॉडी में बनते हैं।
और मेल गैमेट्स जो हैं वो मोटाइल होते हैं और स्मॉलर होते हैं, और जो फीमेल गैमेट्स हैं वो लार्जर और नॉन मोटाइल होंगे। दोनों मेल सेक्स ऑर्गन जो है ना इनमें एंथ्रीडिया होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम। एंथीडिया जो है वो एंथीरोजाइड्स प्रोड्यूस करेगा या स्पर्म, और आर्चिगोनिया एग या ओवम प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद इनके स्ट्रक्चर की बात करें एंथीडिया और आर्चिगोनिया की, तो एंथ्रीडियम जो है वो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है, इसके इट गिट एक स्टेराइल वॉल होती है, और इसके अंदर एंड्रोसाइट्स यानी एंड्रोसाइट्स या मदर सेल्स होंगे। ये मदर सेल्स जो हैं या एंड्रोसाइट्स मेटामॉर्फोसिस करेंगे, चेंज करेंगे और अपनी शक्ल चेंज करेंगे और एंथीरोजाइट्स या स्पर्म्स बना देंगे। आर्चिगोनिया का स्ट्रक्चर देखें तो आर्चिगोनिया एक फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर है, इसके दो पार्ट होंगे, एक बेसल में स्वोलन पार्ट होगा जो कि वेंटर कहलाता है, और ऊपर वाली नेक पार्ट होगा। नेक पार्ट के अंदर नेक कैनाल सेल्स होंगे, और वेंटर में नीचे वाले पार्ट में एग स्टोर होगा और ऊपर वेंटर कैनाल सेल्स होंगे। उसके बाद एंथ्रीडियम जो है ना, क्योंकि ये दोनों गैमेटोफाइट में ही बनेंगे एंथ्रीडियम आर्चिगोनियम, तो एंथ्रीडियम जो है ना गैमेटोफाइट के अंदर एम्बेडेड भी हो सकता है, मुकम्मल एम्बेडेड भी हो सकता है, और उससे थोड़ा सा प्रोजेक्ट भी कर रहा होगा, ऊपर की तरफ निकला होगा। और आर्चिगोनियम भी, इसके अंदर आर्चिगोनियम का भी जो बेसल पार्ट है वो एंथ्रीडियम के अंदर एम्बेडेड होगा। इधर आप देखें तो ये एंथीडियम का स्ट्रक्चर है, ये देख लें ग्लोब्यूलर सा स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर एंड्रोसाइट्स हैं और वो एंथीरोजाइड या स्पर्म सेल्स प्रोड्यूस कर देंगे। और आर्चिगोनियम का स्ट्रक्चर देखें तो नीचे वाला वेंटर पार्ट है, इसमें एग स्टोर है, और ऊपर वेंटर कैनाल सेल्स हैं, और उससे ऊपर नेक कैनाल सेल्स हैं। वेंटर कैनाल सेल्स और नेक कैनाल सेल्स इनकी सारी स्पीशीज़ में वेरी करते हैं, किसी में दो होंगे तीन, ऐसे वेरी करते हैं इनमें। उसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन की बात करें तो आर्चिगोनियम में ऊपर वाले जो सेल हैं एपिकल सेल्स, ये डिसइंटीग्रेट करेंगे, ये टूटेंगे, तो एंथीरोजाइट के लिए एक रास्ता बन जाएगा एंटर होने के लिए। एंथीरोजाइट्स इनके फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर असेंशियल है, जब वाटर होगा तो ये एंथीरोजाइट मूव करेंगे और आर्चिगोनियम तक जाएंगे और फर्टिलाइजेशन करेंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा जो कि डिप्लॉइड स्टेज है, और डिप्लॉइड जाइगोट जो है ना माइटोटिक डिविजन्स करेगा और न्यू स्पोरोफाइट प्लांट बना देगा। उसके बाद स्पोरोफाइट प्लांट जो है वो दोबारा, स्पोरोफाइट प्लांट के अंदर दोबारा स्पोर्स बनेंगे, स्पोरंजिया के अंदर स्पोर्स बनेंगे और स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे, और वो दोबारा फिर गैमेटोफाइट बना देंगे। जब गैमेटोफाइट पे स्पोरोफाइट बनेगी तो वो अपने इमेच्योर स्टेज पे उसके साथ ही अटैच रहेगी स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के साथ, जब अपनी खुराक भी गैमेटोफाइट से लेती रहेगी, और जब अपने वो सारे पार्ट बना लेगी रूट स्टेम लीव्स, क्योंकि स्पोरोफाइट में ट्रू रूट स्टेम लीव्स होते हैं, तो जब वो अपने सारे पार्ट बना लेगी तो वो खुद को अपने डिटैच करेगी और इंडिपेंडेंट हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई एम अफीन वहीद फ्रॉम डिपार्टमेंट केमिस्ट्री। टुडे माय टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन इज़ लाइफ साइकिल ऑफ टेट्रिडियोफाइट्स। ये वर्ड पेट्रिडियोफाइट्स नहीं है, टेट्रिडियोफाइट्स इसकी प्रोनाउंसिएशन। लाइफ साइकिल दो तरह के हैं, एक ग्रामेटिकली भी है और दूसरा भी है। मैं आपको दोनों तरह के लाइफ साइकिल्स बताऊँगी। इन लाइफ साइकिल में टू कंडीशंस, लाइफ साइकिल में टू कंडीशंस हैं। होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस। होमोस्पोरस वो होते हैं जिनमें सेम टाइप्स के स्पोर्स हों, और हेट्रोस्पोरस वो होते हैं जिनके अंदर डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स हों। अब हम इसका होमोस्पोरस लाइफ साइकिल देखेंगे। हम होमोस्पोर्स में जो टेट्रिडियोफाइट्स है उसमें जो है ना स्पोर्स ही बनते हैं, यानी कि स्पोरोफाइट्स। होमोस्पोर्स में सबसे पहले हम स्पोरोफाइट्स पहले में डिस्कस करते हैं। स्पोरोफाइट्स होते क्या हैं?
स्पोरोफाइट्स होते हैं, असल में स्पोर्स होते हैं, इनके जो से ये डिप्लॉइड में होते हैं यानी 2N। स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट होते हैं, ये मेन प्लांट स्पोरोफाइट्स मेन प्लांट बॉडी हैं, और ये टू स्टेम्स टू रूट्स टू लीव्स होते हैं इसमें, और ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। और नेक्स्ट इसका हम साइकिल की तरफ करते हैं चलते हैं, ये समझे हैं है टेट्रोडोफाइट्स 2N। ये बनाएगा स्पोर, स्पोर यानी कि N हैप्लॉइड। ये स्पोर जोन सा है वो डिस्पर्स कर जाएगा, ये स्पोर्स करेगा डिस्पर्स थ्रू माइटोसिस। अब ये जो है डिवाइड करेगा और बन जाएंगे मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स। मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स भी होंगे N यानी हैप्लॉइड। तो इसके बाद ये बना देगा प्रोथैलस, प्रोथैलस। प्रोथैलस जो है वो असल में गैमेटोफाइट है। अब आप कह रहे होंगे कि जो है होमो स्पोर्स में स्पोरोफाइट्स बन गया और ये प्रोथैलस कैसे गैमेटोफाइट हो गया। तो स्पोरोफाइट्स ने न्यू बॉडी बनाई है जो इसको गैमेटोफाइट कहते हैं, गैमेटोफाइट कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा ये जो प्रोथैलस है ये एक न्यू बॉडी बनाएगा, इसमें मेल और फीमेल ऑर्गन यानी कि मेल एंथ्रेडियम, मेल एंथ्रेडियम एंड फीमेल आर्चिगोनियम होगा। एंथ्रेडियम एंड फीमेल आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियम। सो जो ये एंथ्रीडियम है, ये जो सा है ये यहाँ इसके अंदर फ्यूज़ होगा, आर्चिगोनियम में आके फ्यूज़ हो जाएगा और जायगोट के साथ मिलके, तो ये जो सा न्यू प्लांट बॉडी बना देगा। ये जो न्यू प्लांट बॉडी बनाएगा ये होगी 2N यानी कि डिप्लॉइड, यानी कि ये दोबारा से प्लांट बॉडी बन जाएगी जो ये टेट्रोडोफाइट्स स्पोरोफाइट्स है। ये है गैमेटोफाइटिक बॉडी। ये तो हो गया हमारा होमोस्पोरस, होमोस्पोरस। और अब हम नेक्स्ट हेटरोस्पोरस करेंगे। एक दफ़ा फिर मैं आपको ओवरव्यू दे दूँ होमोस्पोरस का। होमोस्पोरस में क्या है, स्पोरोफाइट्स हैं, स्पोर्स बनते हैं, स्पोरोफाइट्स जो सब डिप्लॉइड होते हैं। इस ये है टेट्रोडोफाइट्स, ये स्पोर्स बनाएगा, स्पोर्स डिस्पर्स हो जाएंगे, डिस्पर्स जब होंगे माइटोसिस होगी, माइटोसिस से डिवीजन होगी, डिवीजन के बाद मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनेंगे, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनेंगे तो वो प्रोथैलस बनाएगा, प्रोथैलस गैमेटोफाइट है। उसके बाद जो उनसे ये एक प्लांट बॉडी बनाए, गैमेटोफिटिक बॉडी बनाएगा जिसमें आर्चिगोनियम और एंथ्रीडियम होंगे। एंथ्रीडियम अपना जो उनसे इस आर्चिगोनियम फ्यूज हो जाएगा, उसके बाद न्यू प्लांट बॉडी बन जाएगा जो 2N होगी। सो नेक्स्ट वी स्टार्ट हाइड्रोस्पोरस। हाइड्रोस्पोरस में डिफरेंट स्पोर्स होते हैं, डिफरेंट स्पोर्स होते हैं यानी कि एक से ज़्यादा टाइप्स के स्पोर्स होते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें हम साइकिल स्टार्ट करते हैं। ये है इसमें हम होमोस्पोर्स में हमारे पास एक ही टाइप के स्पोर्स थे, लेकिन हाइड्रोस्पोरस में हमारे पास एक से ज़्यादा टाइप के स्पोर्स हैं, यानी कि एक हमारे पास है मेगा स्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगा स्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगा स्पोर्स। और
माइक्रोस्पोर्स जो हैं वो मेल स्पोर्स हैं, और मेगास्पोर्स जो हैं उन्हें हम फीमेल स्पोर्स कहेंगे. मेल स्पोर्स एंड फीमेल स्पोर्स. उसके बाद है जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो, इसमें जो होगा कि मेल स्पोर्स जो होंगे वो अपनी अलग से मेल अब गैमेटोफिट बॉडी बनाएंगे, उसके बाद जो फीमेल हैं वो अलग बनाएंगे. यानी कि होमो में एक ही में मेल और फीमेल गैमेटोफिटिक बॉडी थी, लेकिन और हेट्रो में अलग अलग में दोनों अलग, एक में एक ही टाइप की बॉडी होगी और दूसरे में दूसरी. मेल में मेल बनाएगा मेल गैमेटोफिटिक बॉडी, एंड फीमेल फीमेल गैमेटोफाइटिक बॉडी. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सबा परवीन एंड टुडे माय टॉपिक इज़ इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ पिटेटोफाइट. पिटेटोफाइट्स आर द फर्न्स एंड द ग्रुप्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट विद वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन. वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इन ग्रुप्स में, के वेस्कुलर ग्रुप्स में और फर्न्स में, फर्न्स के ग्रुप्स में. ये जो ना फाउंड इन ऑल कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट अंटार्कटिका एंड मोस्ट आइसलैंड. ये अंटार्कटिका और मोस्ट आइसलैंड में पाए नहीं जाते, बल्कि ये मोस्ट टेम्परेचर और ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं. ये गर्म इलाकों में पाए जाते हैं, ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं. जो इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है इनकी, ये 2000 प्लस ईयर्स ज़्यादा नोन है मैन के लिए, क्योंकि ये एज अ फूड और मेडिसिन स्टार्ट से यू ना यूज़ हो रहे हैं. पोटैटो फॉर वेरियस फील्ड में यूज़ होते हैं, जैसे एज अ सॉइल कंजर्वेशन, एज सॉइल कंजर्वेशन ऐसे कि ये अपर पोटैटो फॉर्स हैं वो प्लांट्स हैं वो स्टडिस्टल होते हैं, सो दे प्रोटेक्ट द अपर पार्ट ऑफ द सॉइल. ये अपर पार्ट ऑफ द सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं. दे प्रोटेक्ट सॉइल फ्रॉम हैवी रेनफॉल. दे हेल्प इन स्टॉपिंग सॉइल इरोजन, कि जब हैवी रेनफॉल हो तो जो सॉइल की इरोजन को स्टॉप करते हैं, ताकि सॉइल तक जो ना ज़मीन बंजर ना हो. पोटैटो फर्ट प्लांट्स आर वेरी हेल्पफुल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एज अ बायो फर्टिलाइजर. ऐसे यूज़ होते हैं कि एजोलस पा है कि वो बायो फर्टिलाइजर की फॉर्मेशन में हेल्पफुल होते हैं, कि बिकॉज के उनकी रूट्स में एनाबीना होता है जो कि हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में. मैनी प्लांट्स आर ईटेबल, के बहुत ज़्यादा प्लांट्स हैं वो ईटेबल होते हैं, वो एज अ फूड यूज होते हैं, एज अ फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेबल्स. जो अजोला है वो भी एज अ फूड प्रोडक्शन में यूज होता है, जिसकी हाई कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं और प्रोटीन वैल्यूज होती हैं. और कुछ प्लांट और जो ना वो ऐसा वेजिटेबल यूज़ होते हैं. फिर ऑर्नामेंटल में होता है, कुछ जो फ्यू पेट्रोफाइट्स होते हैं वो एज एन ऑर्नामेंटल यूज़ होते हैं. ऑर्नामेंटल ऐसे यूज़ होते हैं कि लाइकोपोडियम जो है वो एज अ क्रिसमस कॉल्ड क्रिसमस ट्री आर यूज फॉर द ग्रास लैंड ड्यूरिंग क्रिसमस फेस्टिवल एंड फॉर पर्पस ऑफ डेकोरेशन. के लाइकोपोडियम वो बहुत ज़्यादा कॉमन है डेकोरेशन के लिए, कि वो बहुत ज़्यादा कॉमन है कि डेकोरेशन के लिए, इसलिए क्योंकि वो इस ब्यूटीफुली ग्रो करता है ग्रास की शक्ल में, और वो क्रिसमस फेस्टिवल के जो क्रिसमस फेस्टिवल जब आता है तो वो बहुत ज़्यादा डेकोरेशन में कॉमन होता है. फिर एज ए एंटरटेनमेंट ऐसे यूज़ होता है कि जो ना कुछ जो स्पीशीज होती हैं ऑर्नामेंटल की पिटेटोफाइट्स की, के वो ऐसे ग्रो करते हैं कि उनको रीअरेंज नहीं किया जाता, क्योंकि वो ब्यूटीफुली खुद ही डेकोरेशन के तौर पर ग्रो होती हैं. फिर एज ए मेडिसन यूज़ में ये आता है कि जो ना ये कुछ डिजीज़ हैं उनको कंट्रोल करता है, कि इंटेस्टाइनल स्वॉर्म होते हैं स्टमक में, उनको ख़त्म करता है, ताकि वो जो डायरिया कॉज करते हैं उनको. फिर ये यूज़ होते हैं, फिर ये प्लांट यूज़ होते हैं स्किन बाय डायरिया में, और फिर ये और बस इस तरह यूज़ होते हैं. फिर हार्मफुल इफेक्ट भी जहाँ पे इसके यूज़फुल इफेक्ट हैं, कि वो फूड और मेंटल एज अ मेडिसिन यूज होते हैं, वहाँ पे ये एज अ हार्मफुल इफेक्ट भी हैं, कि जो फ्यू पेट्रोफाइड्स हैं वो वीड्स हैं, कि जो वो हार्मफुल हैं फॉर द एनिमल्स एंड फॉर द क्रॉप प्लांट, कि वो एनिमल्स के लिए भी हार्मफुल हैं और क्रॉप प्लांट्स के लिए भी हार्मफुल हैं. और कुछ पेट्रोफाइड्स ऐसे हैं जो कि पॉइजन एक्ट करते हैं फॉर द कैटल एंड हॉर्स, कि वो एज अ पॉइजन एक्ट करते हैं कुछ जानवरों के लिए. बस यही तक था, थैंक यू.